आज बनाते हैं भिंडी की बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सी रेसिपी। एकदम कुरकुरी और मसालेदार भिंडी ये बनती है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आज इसको मैं दो तरीके से बताऊंगी, दोनों ही तरीकों से बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आता है, और साथ ही मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी भिंडी भी इसी तरीके से एकदम परफेक्टली क्रिस्पी और डिलीशियस बने। तो चलिए देखते हैं इस क्रिस्पी भिंडी को कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप भिंडी ले लें, उसको अच्छे से वॉश कर लें, कपड़े से पोंछ के सुखा लें। फिर भिंडी को हमको पतले स्ट्रिप्स में इस तरीके से कट करना है। अगर आपकी भिंडी पकी हुई है तो उसके आप बीज निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसको बीज के साथ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से सारी भिंडी को पहले पतले स्ट्रिप्स में कट करके तैयार कर लें। इन भिंडियों को एक बड़े बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर लें, और इसमें अब हम डालेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून के आसपास चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से भिंडी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसमें डालेंगे फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब इसमें अजवाइन डाल देंगे, काला नमक डालेंगे, सादा नमक भी इसमें हम डाल देंगे। खटास के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, और साथ ही में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो भिंडी बनती है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भिंडी के ऊपर हम कोट कर लेंगे। हमने इसमें नमक डाला है जिससे भिंडी अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर देगी और सारा मसाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है भिंडी आपकी थोड़ी सूखी है तो कुछ ड्रॉप्स आप पानी के इसमें यूज़ कर सकते हैं। आज पहले मैं इसको बेक करके बना रही हूँ। एयर फ्रायर की बास्केट मैंने यहाँ पर ले ली है और सारी भिंडियों को मैंने उसमें बिछा दिया है। अब इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लेंगे। सेकंड मेथड है हमारा डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए पैन में आप थोड़ा सा ऑयल ले लें, ऑयल को मीडियम गरम कर लें। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक भिंडी का पीस इसमें लें और तेल में आप डाल दें। देखेंगे कि इमीडिएटली इसमें बबल्स आने लग गए हैं, हमारा ऑयल मीडियम गर्म है। तो यही स्टेज पर हम अपनी बाकी की भिंडियों भी इस पैन में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। भिंडियों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बहुत कम या बहुत तेज़ गैस पर फ्राई ना करें। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें जब तक कि इस पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। बस 3 से 4 मिनट में ही भिंडियाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिक जाती हैं, उनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं भिंडियों में बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है, हमारी भिंडी परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। सेकेंड बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कुरकुरी भिंडी बनके एकदम तैयार है। सारी की सारी भिंडी मैंने यहाँ पे तल ली हैं, और साथ ही में एयर फ्रायर भिंडी भी हमारी रेडी हो गई हैं। दोनों ही भिंडी एकदम क्रिस्पी बनी है। इन क्रिस्पी भिंडियों के ऊपर आप सबसे पहले चाट मसाला स्प्रिंकल करें, लेमन जूस डालें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ही आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। ये भिंडियाँ गर्म और ठंडी दोनों ही तरीके से खाने में अच्छी लगती हैं। तो आपको दोनों ही तरीकों में से कौन सा तरीका बेटर लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस भिंडी की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये क्रिस्पी भिंडी का टेस्ट आपकी रेगुलर भिंडी की सब्जी से एकदम अलग होता है, और आप इसको सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।